आज हम आए हैं पीसीआई के ऑफिस और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रविशंकर रवि जो कि पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही डॉक्टर रवि डीन डायरेक्टर ऑफ कैपिटल यूनिवर्सिटी भी हैं। उन्हीं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव उपाध्याय, जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई। तो आज हम इन दोनों से बातचीत के दौरान जानना चाहेंगे कि पीसीआई क्या है और पीसीआई के उद्देश्य क्या है। तो डॉक्टर रवि, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि पीसीआई क्या है। पीसीआई फिजियोथेरेपी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बनाया गया है, पूरे भारत में भारत के फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बनाया गया। जैसे कि आपने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में काम करेगा, तो इसके नाम के पीछे आपका क्या, आपने कैसे ये नाम फाइनल करा, कैसे फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया? एक्चुअली फिजियोथेरेपी, मैं कई फिजियोथेरेपी एसोसिएशन में मेंबर हूँ, सीनियर मेंबर एएफपी, अदर मतलब 47 से 48 एसोसिएशन है जो काम कर रही है इंडिया में। और मैंने देखा कि हर एक जगह एसोसिएशन में कुछ चंद लोग होते हैं जो बिखरे रहते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि ऐसा कोई बनाया जाए जो एक अम्ब्रेला की तरह काम करे, एक सारे लोग एक छतरी के नीचे आ जाए, एक बैनर के तले आ जाए, तो हम इजी काम कर पाएंगे। कॉन्फेडरेशन एक अच्छा है और वो अम्ब्रेला की तरह ही काम करता है, तो ये उद्देश्य था। क्योंकि बिखराव ना हो, एक यूनिटी के लिए हमने इसको गठन किया है। नाम के पीछे ये था कि हमने तीन नाम दिया था सरकार के अंदर जो रजिस्ट्रेशन एक्ट चलता है, उसमें हमें फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन मिला। पहले जैसे हमने फिजियोथेरेपी क्लब दिया, फिजियोथेरेपी काउंसिल दिया, फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन, तीनों के मीनिंग एक ही था, पीसीआई, और हमें पीसीआई ही बनाना था, तो हमें कॉन्फेडरेशन, फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया मिला, जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा भी मेरे और सारे मीटिंग में, जैसे मेरे सहयोगी संजीव उपाध्याय, डॉक्टर संजीव उपाध्याय, रामवीर शर्मा जी हैं, ख्याति जी हैं, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, जिससे हमने बात करा, डिस्कस करा, तो फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, चूँकि हमें पीसीआई चाहिए थी। देश में बहुत सारे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्लब्स हैं, बहुत सारी काउंसिल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं, ऐसे में पीसीआई बनाने का आपका क्या उद्देश्य है? पीसीआई बनाने का उद्देश्य एक ही है कि जो बिखराव है, जो इतने 47 से 48 एसोसिएशन चल रहे हैं, इसको एक छतरी के नीचे लाना, एक अम्ब्रेला के नीचे आना। कॉन्फेडरेशन का मतलब ये होता है एक जगह कई संगठन काम करते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है, कई सारे संगठन हैं, कई सारे एसोसिएशन जो काम कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो हमारा यूनाइट करना एक उद्देश्य है, पूरा उद्देश्य यूनाइट करके और समाज के अंदर एक जागरूकता फैलाना बेसिक। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के को जो देख रहे हैं कि कई जगह छापे पर गए, क्वैक फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़ना, उसके बाद फिजियोथेरेपी में कई ऐसे उनकी समस्याएं हैं, 70 के दशक में कई साल हो गए, बीत गए, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस तरह का चीज जो है उसको शॉर्ट आउट करने का कोशिश करना, ये उद्देश्य है इनका। डॉक्टर रवि ने जैसे बताया उद्देश्य, उसके आगे डॉक्टर उपाध्याय, आप जनरल सेक्रेटरी का पद संभाल रहे होंगे, तो आपके अनुसार इस पूरी कॉन्फेडरेशन की क्या उद्देश्य रहेंगे? जैसा कि मेरे फ्रेंड रवि जी ने बताया, तो मेनली हमारा वही है कि जितने भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो इधर उधर, हम लोगों का मेन फोकस है यूनाइट करना, और मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव एज ए हेल्थ प्रोफेशनल, हमको सोसाइटी के लिए हम कितना सर्व कर सकते हैं, बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल हम कितना सोसाइटी को दे सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। इन पीसीआई आवर मेन मोटिव, एक्चुअली वी हैव डिसाइडेड आवर मेन फोकस एरिया, आवर मेन मोटिव और व्हाट वी कैन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, हमारा मेन रहेगा फन, द फन एज नेम सजेस्ट, FUN। इन दिस फन आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज F फॉर फोकस्ड। पीसीआई में हम लोगों को फोकस रहना है टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन, हम कैसे अपने प्रोफेशन को और आगे ले जा सकते हैं। जितने भी लोग फिजियोथेरेपिस्ट मेन उनका कैरियर ग्रोथ है, उनको फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में कैसे वो अपना एस्टेब्लिशमेंट कर सके, जितना भी फिजियोथेरेपी में अगर वो बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो कैसे उनको मास्टर डिग्री, मेन ऑब्जेक्टिव है फोकस रहना अपने प्रोफेशन के लिए, कैसे अपना कैरियर ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ वो कर सके। सेकेंड थिंग इन फन, सेकेंड इज यू, फॉर यू वी स्टैंड फॉर यूनाइटेड,
वी हैव टू बी यूनाइटेड। अभी तक क्या होता था, नॉर्मली इतना सारे एसोसिएशन और काउंसिल और डिफरेंट चीजें जो कि सोसाइटी में आई हैं, तो हमारा मेन फोकस है यूनाइटेड रहना। अगर हम यूनाइटेड हैं तो ही हम अपने फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज निम्बल। निम्बल एज नेम सजेस्ट, निम्बल मीन्स इन हिंदी वी कैन से फुर्तीला। अवर अप्रोच शुड बी विद फुर्तीला, हिंदी में जो होता है इट मीन्स जैसे ही हमें कोई भी प्रॉब्लम हम अगर फेस कर रहे हैं या हमारा मेंबर या हमारे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में, वी हैव टू एक्ट वाइजली, वी हैव टू क्विकली सॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल, वी हैव टू हेल्प अवर मेंबर ताकि कोई भी प्रॉब्लम वो फेस ना कर सके। जैसे आपने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और डॉक्टर रवि ने भी पहले बताया कि पीसीआई के कुछ उद्देश्य हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के अच्छे के लिए काम करेंगे, तो उस स्थिति में पहले से ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दावा करती हैं कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में पीसीआई क्या नया करने वाली है, पीसीआई क्या नया लाने वाली है? बेहतर हम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ही बेहतर करेंगे, नया कुछ करेंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को ही हम इस लायक बनाएंगे कि चूंकि अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वो बेहतर कर सके। उसके साथ साथ उसको लीगल है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को आपने देखा होगा कई तरह से लीगल में वो दब जाते हैं, हमने लीगल सपोर्ट के लिए उनकी पूरी सुविधा रखी, लीगल पूरी सपोर्ट करेगी, ये पीसीआई का उद्देश्य है। जब लीगल सपोर्ट करेंगे तो अपने आप में मजबूत, जैसे अभी हमने कहा कि अपने लिए फिजियोथेरेपिस्ट को ऐसे ही बनाना है ताकि वो अपने लिए भी मजबूत हो, परिवार के लिए भी मजबूत हो, और जब वो अपने आप मजबूत रहेंगे तो खुद समाज को भी मजबूती से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और रवि जी ने जो बोला मजबूत करना एक अपने आप में एक अच्छा काम है, प्लस साथ में हम ये चाहेंगे कि जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हमारे जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए हमने अपना रिवार्ड एंड अवार्ड फंक्शन वगैरह अरेंज करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो जिससे कि जो भी अपना फिजियोथेरेपी फील्ड में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकें। जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे वो अपने आप को और ज्यादा ब्रशअप नहीं कर सकते, और ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको रिकॉग्नाइज करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इन एवरी कॉन्फ्रेंस। जैसे कि आप समय समय पे कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, एक आपकी अभी 5 तारीख को बहुत बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? उसका तो मेन उद्देश्य ये है कि देखिए ये पीसीआई जो है, फिजियोथेरेपी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक बेसिकली स्थापना है, इनकी शुरुआत है, हमने एक शुरू करा है यहाँ से, और यहाँ से शुरू करके हमने एक लोगों को मैसेज दिया है पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्ट को कि एक हमने नया उद्देश्य लेके आए हैं। नया उद्देश्य के साथ साथ और आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस जब करते हैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं, ये एक जुड़ने का माध्यम है बेसिकली, ये स्थापना इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीआई है, तो इंट्रोडक्शन के लिए ही हमने ऐसा बेसिकली करा है। अंततः आप हमें यह भी बताएं कि किस तरह से पीसीआई कुछ नया करने जा रही है लोगों के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और समाज के लिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे पास कोई पीसीआई में हर एक डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, जैसे हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है, एडवाइजरी बोर्ड बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, जैसे चांसलर हैं, सीएमजे यूनिवर्सिटी चांसलर हैं, एसएचएम के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एम के वाजपेयी साहब, हमारे पास मीडिया के लोग भी हैं, हमारे पास डॉक्टर अनिल वर्मा जी भी हैं, एक एडवाइजिंग लीगल देखते हैं, लीगल करते हैं, डॉक्टर साहब आ ही गए, डॉक्टर साहब आइए, वेलकम है, ये डॉक्टर अनिल वर्मा जी हैं। नमस्कार। डॉक्टर अनिल वर्मा जी हमारे पीसीआई के एडवाइजिंग बोर्ड मेंबर हैं, और तो डॉक्टर वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये पीसीआई के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं। डॉक्टर वर्मा आप हमें बताइए कि किस तरह से पीसीआई कुछ नया करने जा रहे हैं समाज के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए पीसीआई का जो मेन मोटिव रहा है, डॉक्टर रवि, डॉक्टर संजीव और इनकी जो टीम ने पीसीआई का गठन करने की बात की, तो ये चर्चा ये लगभग एक साल से इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अंततः ये इस मुकाम पे पहुंची है कि इन्होंने एक अच्छा नाम पीसीआई फिजियो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव किया, और उसके लिए ये पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, और आज ये इस मुकाम पे हैं कि 5 जनवरी पे कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब अगर बात आती है पीसीआई की उद्देश्य की, तो मेन इन्होंने बहुत कुछ आपको बताया होगा,
जो भी है, लेकिन मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं कि पीसीआई का क्या है कि पिछले 50 साल में जब से भारत में फिजियोथेरेपी का भविष्य रहा है तब से लेके आज तक बहुत सारी जो है एसोसिएशंस बनी हैं, लेकिन हर एसोसिएशन अपने अपने मुद्दे पे अपने अपने फील्ड में काम कर रही है और किसी ने पूरे फिजियोथेरेपी परिवार के लिए, पूरे फिजियोथेरेपिस्ट जो भी समूह है उसके लिए काम नहीं किया। जबकि अगर आज देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट पिछले लगभग 2 दशक से भारत में एक उभरता हुआ रोजगार है, जहाँ MBBS और शिक्षाएं बहुत महंगी हो चुकी हैं उसके मुकाबले में फिजियोथेरेपिस्ट एक नया और एक कम खर्चे में जो है एक मेडिकल प्रोफेशन देने वाला रोजगार है, लेकिन अभी लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। उसी लिए जो है डॉक्टर संजीव रवि इन्होंने कोशिश की कि आज जो है बच्चों को एक नया भविष्य दिया जाए। आप देखती हैं कि आज हर व्यक्ति है और उनके लिए रोजगार के लिए लड़ रहा है, तो उस पोजीशन में कम खर्चे में अगर किसी को देना हो तो फिजियोथेरेपी एक अच्छा भविष्य है। अब उसके लिए PCI क्या करेगी? PCI उसके लिए ये करेगी कि PCI ने जो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितने भी जो है सोसाइटीज हैं, PCI किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक से लेके और पूरे जो है संघ के लिए है, मतलब वो पूरा एक अम्ब्रेला है। उसके साथ उसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी एसोसिएशन हैं वो भी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ें और जो फिजियोथेरेपिस्ट की समस्याएं हैं उनको वो सुलझाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जैसे आज IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसी तरीके से PCI अपने लिए बनाएगी और जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आज फिजियोथेरेपी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि असली नकली का सबसे बड़ी समस्या, असली कौन नकली कौन, और आए दिन उन पर छापे पड़ते रहते हैं। जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं लोग बाग उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे इलाकों में रह रहे हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो PCI ने उसके लिए क्या किया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है। PCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फायदा क्या होगा कि हम एक नेशनल रजिस्टर बनाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट का, और उस नेशनल रजिस्टर के अंदर जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे भविष्य में उनको हम एक ID प्रोवाइड करेंगे, और उस ID के आधार पे कोई भी व्यक्ति सिंगल या कोई संस्था उसको कहीं भी सर्च कर सकती है और उस फिजियोथेरेपिस्ट को हम मिनिमम फीस पे वेरीफाइड करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करेंगे, और इसके अलावा जितनी भी फिजियोथेरेपी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ हम जुड़ेंगे और जुड़ के उनको आगे भविष्य में उनके लिए क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं को हल करेंगे। इससे क्या होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट के प्रति जो अविश्वास का माहौल बन जाता है कई बार, उसको हम विश्वसनीयता में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे कोई भी कहीं से भी, आप चाहें तो कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं कि ये जो है लीगल डॉक्टर है इलीगल। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं और उसके physiotherapy24x7.com के नाम से हमने उसको डेवलप किया है कि आप 24 घंटे 365 दिन कभी भी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के डाटा को सर्च कर सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य हमारे खुद से ही है, जो अभी हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर बता रहे हैं आपको, चूंकि ये हमारे लीगल भी हैं, लीगल एस्पेक्ट यही देखते हैं और ये सारी चीज देखते हैं। तो आपको और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, सबसे बड़ी जो चीज है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी लीगल हेल्प हो तो आप भी जो वकाला हमारे साथ, बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील जुड़े हुए हैं, दोनों चीज हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कम से कम खर्चे पे किसी को कोई समस्या आती है फिजियोथेरेपी को तो उसके केस को हम हल कर सके। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर उपाध्याय और डॉक्टर रविशंकर रवि का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि PCI फिजियोथेरेपिस्ट को एक नया भविष्य देगी और उनकी समस्याओं को जल्दी सुलझाएगी।